ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ नगर पालिका के इस भवन में। आज एसएफआई छात्र संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन है वो किया गया है। एक बार नहीं कई बार इस मांगों को लेकर प्रदर्शन है वो किया गया है। एसएफआई से आशीष प्रसाद मेरे साथ मौजूद है। आशीष से बातचीत करने के उनकी प्रमुख मांगे क्या है जिनको लेकर आज नगर पालिका का घेराव किया गया है? आशीष क्या है प्रमुख मांगे रही जिनको लेकर आज नगर पालिका का घेराव किया? आज नवलगढ़ आर आर मुरारका महाविद्यालय नवलगढ़ के जो मुख्य गेट के सामने जो गंदे पानी की समस्या है, जो एक विकट परिस्थिति है, जो पिछले 2 सालों से लगातार एसएफआई अपने बैनर के तले एसएफआई के तमाम कार्यकर्ता और कॉलेज के तमाम छात्र छात्राएं इस समस्या से जूझने का काम कर रहे हैं। आज उसी कॉल को लेते हुए आज हम लोगों ने नगर पालिका का घेराव किया था। लेकिन बड़े दुखद की बात है, जब विद्यार्थी इस नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था। और बड़े शर्म की बात है, नवलगढ़ चेयरमैन यहाँ से गायब होने का काम कर रहे हैं। हम नवलगढ़ चेयरमैन साहब को और नवलगढ़ नगर पालिका के तमाम अधिकारियों से इस बात की गुजारिश करते हैं, ये विद्यार्थी आप लोगों के पास आया है, इसकी बात को आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन बार बार यहाँ आने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ गोली देने का काम किया जाता है। लिखित के अंदर हमें आश्वासन मिलता है और उसके बाद ये नगर पालिका प्रशासन बार बार अपने वादे से मुकर जाता है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई जिन्होंने विद्यार्थियों ने जिनको चुना वो तो उनकी मांगें नहीं उठा रहे हैं, लेकिन स्थिति के बावजूद आप जो विरोधी पार्टी है वो इस मामले को उठा रही है? क्या जो अध्यक्ष बने हैं या जो भी यहाँ पदाधिकारी बने हैं उनकी मांगों को उठाते नहीं देखा गया? जो कॉलेज की मांगी थी उनको उठाया? हमें जिन लोगों ने कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं ने जिन्हें अध्यक्ष बनाया वो एक अच्छी बात थी, हमें उनका वो अलग मामला है। लेकिन छात्र संगठन एसएफआई हमेशा विद्यार्थी हितों की बात करती है, विद्यार्थियों के बीच रहकर चाहे वो चुनाव जीते या हारे चुनाव उनके लिए वायदे नहीं रखता, लेकिन विद्यार्थियों की जो प्रमुख मांगें होती हैं कॉलेज के अंतर्गत, कॉलेज कैंपस के अंतर्गत या कॉलेज कैंपस से बाहर की जो भी मांग हो वो एसएफआई का विद्यार्थी या कॉलेज का तमाम विद्यार्थी एसएफआई के एक एक कार्यकर्ता को अपनी फैमिली के रूप में मानता है। और विद्यार्थियों की जो भी समस्या होती है वो अपनी खुद की समस्या होती है, उन समस्याओं को लेकर छात्र संगठन एसएफआई हमेशा विद्यार्थियों के लिए तैयार मिलता है। किन किन मांगों पर सहमति बनी है? क्योंकि कॉलेज की मांगें तो खूब है, नगर पालिका ने आपने घेराव किया और जो पानी की समस्या क्या उनकी सहमति बन पाई है? अभी नवलगढ़ जो वाइस चेयरमैन है उन लोगों ने और यू साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है और उन्होंने अपने लेटर पैड के ऊपर इस बात को लिखा है कि कल सुबह से वहाँ से पानी का निस्तारण पूर्ण रूप से हो जाएगा और आज के बाद वहाँ कभी भी पानी नहीं छोड़ा जाएगा। और जैसे ही 5 दिन का टाइम मिलता है 5 दिन के अल्टीमेटम के अंतर्गत मिट्टी का भराव भी पूर्ण तरीके से कर दिया। एक प्रमुख मांग थी कहा कि नवलगढ़ नगर पालिका में जितनी भी टैक्सियाँ चल रही है ज़्यादा टैक्सियों के नंबर प्लेट नहीं, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? हम नवलगढ़ नगर पालिका को पहले भी इस बात के लिए सूचना कर चुके हैं कि जो भी नवलगढ़ नगर पालिका के जो भी टेम्पू चलते हैं वहाँ कचरे का जो कचरा वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक पर भी नंबर प्लेट नहीं है। अगर कॉलेज के किसी भी छात्र छात्रा के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम बार बार नवलगढ़ नगर पालिका को बता देना चाहते हैं, लेकिन यो साहब ने ये बोला कि ये आरटीओ का मामला है, उसके लिए भी इनको 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 5 दिन के भीतर ये लोग उन टेम्पुओं के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती है तो हम उनको कॉलेज के सामने से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर छात्र संगठन एसएफआई की ओर से आज नगर पालिका का घेराव किया गया है। साथ ही यो साहब और जैसे बातचीत की उपाध्यक्ष ने यह बताया है कि जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए। कुछ यहाँ छात्रा पदाधिकारी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत हूँ क्योंकि छात्राएं की संख्या भी यहाँ देखी गई है। क्या प्रमुख ऐसी मांगे हैं जो छात्राओं की मांगे हैं? एसएफआई की तहसील उपाध्यक्ष राधिका मेरे साथ मौजूद है। बार बार जो छात्र हैं उनको एकत्रित करके नगर पालिका का आप घेराव पहले भी किया है, आज भी आपने किया, क्या मांगों की सहमति बन पाई है? क्या उसी मांगे थी जो आप नगर पालिका आज घेराव करने के लिए पहुंचे? सहमति बन पाती तो हम वापस भी आते यहाँ पे, ये हमारा यही काम थोड़ी बचा है कि हम सारे दिन यहाँ पे आएंगे ये घेराव करेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं हम, पर ये मानते नहीं है इसलिए आज वापस आना पड़ा हमें। अब क्या लगा है कि इस मामले में सहमति बन जाएगी, क्या हो जाएगा इसका? इन्होंने दिया है कि कल पानी खाली करने लग जाएंगे, माटी का वो ब्लॉक रहेंगे, पता नहीं है। पिछली बार भी हमें मशीन लगवाई थी, पिछली बार भी एक बार तो बंद किया फिर वापस स्टार्ट कर दिया पानी। पीछे कचरा पड़ा उसके लिए किया था तो बहुत टाइम से कर रहे थे, मशीन लगाई थी पीछे, पर मशीन लगाने से क्या होता, अभी भी ट्रक जा रहे हैं वहाँ पे, वापस कचरा लोड हो रहा है, वो साफ हो रहा है और लोड हो रहा है, इससे क्या निकलेगा? तो पहले वो बंद कराओ गिराना, फिर वहाँ पे वो स्टार्ट करवाए निकालना कचरा। तो ये एसएफआई की ओर से छात्रा उपाध्यक्ष राधिका मेरे साथ मौजूद थी, इनकी प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर आज नगर पालिका का इन्होंने घेराव किया है। लिखित में यह आज एसएफआई संगठन को ये मिला है कि जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी वो भी कर लीजिए ताकि आपके नवलगढ़ की हर अपडेट है वो मिलती रहे।